हरि ओम। सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विदुष्वावहे। ॐ शांति शांति शांति। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संतोष चौबे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी प्लीज्ड दैट टुडे आई एम विथ स्मार्ट बोर्ड। और आइए हम लोग आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। देखिए, एक फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी, जिस फिल्म का नाम है धर्म करम। और उस फिल्म का एक गाना था कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। यह जो फिल्म का गाना है, यह हमें आपको दुनिया को बताने के लिए काफ़ी है कि जो आया है उसे इस धराधाम से जाना सुनिश्चित है। अब आप कहोगे कि आखिर हम लोग की क्लास का इस गाने से क्या लेना देना। देखिए, कल द हिंदू में एक खबर छपी और उस खबर में यह जानकारी दी गई कि एक जीव है जो भारत में बहुत तेजी से विलुप्त होता जा रहा है, और वैज्ञानिकों ने इस जीव के विलुप्त होने पर काफी दुख व्यक्त किया है। यह वह जीव है जिसकी दुनिया में सबसे लंबी उम्र है। दिस इज द मोस्ट लॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी का वह सबसे, आप कह सकते हो, वृद्ध जीव है। तो आज के आपकी क्लास का जो पहला प्रश्न है वह यही से बनता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक उम्र तक जिंदा रहने वाला जीव कौन है? Which of the following organism is the most living organism in the world? चार विकल्प आपके पास है। पहला है ओक्रीट, ओक्रीडले टॉर्टोइज या ओक्रीडले कछुआ। दूसरा है कॉकरोच या तेलचट्टा। तीसरा है हॉर्स शू क्रैब या अश्वखुर केकड़ा। और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। और आपके पास सिर्फ है 5 सेकंड। इन 5 सेकंड में आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। फिर से देख लो, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक उम्र तक जिंदा रहने वाला जीव कौन है? पहला है कछुआ, दूसरा है तेलचट्टा, तीसरा अश्वखुर केकड़ा और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसका आंसर टाइप कर लिया होगा। और इसका सही आंसर, सही जो विकल्प है, वो विकल्प है सी, जिसका नाम है अश्वसुर केकड़ा, अश्वखुर केकड़ा या हॉर्स शू क्रैब। आइए हम लोग समझते हैं इसके बारे में। देखिए, समुद्र की गहराई में एक केकड़ा पाया जाता है, काफी बड़ा होता है वो। और वह जो केकड़ा है, उस केकड़े की उम्र 45 करोड़ साल है, मतलब 45 करोड़। और ये जो केकड़े हैं, ये केकड़े बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि 45 करोड़ वर्ष इसकी उम्र आकी गई है। और इसके पीछे कारण यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका जो इम्यूनिटी पावर है, इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अद्भुत है, और जिस कारण से इन्हें कोई रोग बीमारी होती नहीं है, इनके सेल्स डैमेज होते नहीं,
और उसका परिणाम यह होता है कि ये जल्दी मरते ही नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि सबसे प्राचीन 45 करोड़ वर्ष इनकी उम्र मांगी गई है, तो निश्चित रूप से यह दुनिया का सबसे लंबा जिंदा रहने वाला जीव है। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो इस जीव की बहुत तेजी से इसकी का शिकार किया जा रहा है, यह वास्तव में पानी के अंदर रहता है, समुद्र के जल के अंदर रहता है, लेकिन जब इसे अंडे देने होते हैं तो यह किनारे पर आ जाता है, और जब यह समुद्र के किनारे पर आता है तो यह वहाँ पर जो शिकारी होते हैं उन शिकारियों का शिकार बन जाता है, क्योंकि इसका जो ब्लड है, इसका जो रक्त है, वह काफ़ी वह उपयोगी है। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं इससे संबंधित, और देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है कि हॉर्स शू क्रैब विश्व में सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? इन विच कंट्री फर्स्ट टाइम हॉर्स शू क्रैब वाज डिस्कवर्ड? चार विकल्प आपके पास है, ए है भारत, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है चीन। आपको अपने विकल्प कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो मैं समझता हूं कि आपने अपना यहां पे आंसर टाइप कर लिया होगा। अभी आप अपने आंसर पर विचार करो, तब तक मैं आपको बता दूं कि देखिए 1975 में 1975 में आपके यह जो हॉर्स शू क्रैब है, यह जो अश्वाखुर केकड़ा है, इसको भारतीय समुद्र विज्ञानी जो थे, उनका नाम था अनिल चटर्जी, इन्होंने सबसे पहली बार इस दुर्लभ प्रकार के केकड़े की खोज की थी। और यह जो केकड़ा है, यह मुख्य रूप से आपके भारत में यह केकड़ा जो है मुख्य रूप से यह भारत के तटों पर पाया जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो गुजरात राज्य, सॉरी जो आपका उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा का समुद्र का जो तट है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट का तट, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर यह केकड़ा पाया जाता है। तो आपका जहाँ पर जो सही आंसर है, वो सही आंसर हो गया आपका इंडिया या भारत। इन 1975 दैट क्रैब वाज डिस्कवर्ड बाई अनिल चटर्जी, ए रिटायर्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओशन टेक्नोलॉजी। चलिए हम लोग अब यहाँ पे अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हॉर्स शू क्रैब के रक्त का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ हॉर्स शू क्रैब? जो हॉर्स शू क्रैब है, इसके रक्त का मुख्य उपयोग क्या है? क्या कारण है कि लोग इसको मार रहे हैं? क्या कारण है कि उसकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है? तो यहाँ पर चार विकल्प आपके पास है। पहला है कैंसर की दवा बनाने में, दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक दवाओं को बढ़ा बनाने में, सी है त्वरित रोग लक्षण जांच रैपिड डायग्नोस्टिक, आपका टेस्ट में इसका उपयोग होता है इसलिए लोग इसको मार रहे हैं, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। आपके पास एज यूजल 5 सेकंड का समय है, आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए जो हॉर्स शू क्रैब है अर्थात अश्वखुर केकड़ा, इस केकड़े की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो ब्लड, इसका जो रक्त है, इसके रक्त में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मौजूद है ही, लेकिन इसको लेने से मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं बढ़ती है। लेकिन इसका रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिनमें घंटों लगते हैं, लेकिन आपको जैसे जानकारी है, जैसे मलेरिया का टेस्ट है, जैसे चिकनगुनिया का टेस्ट है, 15 मिनट में हो जाते हैं। तो ऐसे टेस्ट जो कुछ दुर्लभ बीमारियां हैं उनके टेस्ट का जो एंटीजन है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इस कारण से इसका ब्लड, इसका रक्त काफ़ी महंगा बिकता है, और यही कारण है कि जो अश्वखुर केकड़ा है यह लोगों का शिकार होता चला जा रहा है। चलिए हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बल्कि नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यह तो आपका टॉपिक जो है समाप्त हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए
इफ वी टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड इज ऑफ डेमोक्रेसी, यदि हम इस दुनिया की बात करें तो यह दुनिया लोकतंत्र की दुनिया है, और इस लोकतंत्र की दुनिया में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव्स इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आधी आबादी जो है लोकतंत्र में विश्वास करती है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र का जो मंदिर है वह वहाँ का लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर होता है, वहाँ की जो विधायिका होती है उसको हम लोग लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ करके हमारे नियम कानून का निर्माण करते हैं। अब हम लोग भारत की बात करें तो भारत क्या के जो विधायिका है केंद्रीय स्तर पर उसको हम लोग संसद कहते हैं। संसद के दोनों सदनों में जो संसद है वहाँ पे जो लोग बैठते हैं जो सांसद हैं, सांसदों को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिस अधिकार को हम लोग विशेषाधिकार या प्रिविलेज कहते हैं। तो आज का जो यह क्वेश्चन आपका है यहाँ पर इसी संबंधित है। क्वेश्चन यह है कि राज्यसभा के किस सांसद ने भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। Who is the parliamentarian from Council of State who has moved breach of privilege motion against our Prime Minister? चार विकल्प यहाँ पर आपके पास है। ए है रानी नारा, बी है केसी वेणुगोपाल, सी है के केशव राव और डी है बीपी रेड्डी। आपको अपने विकल्प यहाँ पे टाइप करना है। 5 सेकंड का आपके पास समय है और आप इस समय में इसको टाइप कर दीजिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका आंसर सही आंसर, क्योंकि यह काफ़ी अभी चर्चित हो गया आज, तो इसका आपको सही आंसर लगा दिया होगा। इसका सही आंसर है कांग्रेस के नेता हैं केसी वेणुगोपाल। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव उल्लंघन का जो है वो उन्होंने वो प्रस्ताव लेकर के आए हैं। आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। तो देखिए यह जो प्रिविलेज मोशन है, मैंने जैसे बताया कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 194 ऑफ इट, पार्लियामेंटेरियंस एज वेल एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल्स हैव बीन गिवन राइट्स ऑफ अनब्रिडल और विदाउट एनी स्पीच ऑफ राइट टू स्पीच विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। उनको अधिकार दिया गया है कि बिना किसी प्रतिबंध के बिना किसी बाधा के उन्हें संसद में किस कुछ भी कहने का अधिकार है। उनको वाक की यहाँ पर जो सुनता दी गई है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में बहुत विस्तृत है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं, 8 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि संसद हो सांसद लोग संसद में और विधायक लोग और पार्षद लोग विधानसभा विधान परिषद में यदि किसी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वह स्टेटमेंट जो है वह उनको भारत के किसी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी। अब देखिए क्या हुआ कि फरवरी 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था आपके कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी के खिलाफ। यह था 9 फरवरी 2022 और उन्होंने यह कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं ये अपने नेहरू टाइटल क्यों लिखते, इसका मतलब यह है कि वो नेहरू टाइटल लिखने में वह शर्म को महसूस करते हैं और यही कारण है कि ये लोग गांधी लिखते हैं। तो बाद में लोगों ने कहा कि भारत जो है वह भारत में हम लोग जानते हैं कि पितृसत्तात्मक परिवार है और ऐसा होने के कारण से कोई भी जो लड़की है वह अपने ससुराल पक्ष के ही टाइटल को लिखती है, साथ में विवाह होने के बाद वह मातृपक्ष के टाइटल को नहीं लिखती है। और इस कारण से अगर इंदिरा गांधी जी ने गांधी टाइटल अपना लिया नेहरू छोड़ करके तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उनका जो है कद इतना छोटा था या वे ऐसे व्यक्ति थे कि उनका टाइटल उनके परिवार में रखने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। तो यह जो मामला जो देखो आ गया तो यहाँ पर केसी वेणुगोपाल साहब का यह कहना है कि उन्होंने संसद के अंदर जो उन्हें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 के अंतर्गत अधिकार मिला हुआ है
आज़ादी क्या मतलब बोलने की आज़ादी का अधिकार, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। उन्होंने एक महिला के डिग्निटी और एक परिवार के डिग्निटी के ऊपर उन्होंने एक प्रकार से कहा जाएगा कि उस पर हमला किया है, और इस कारण से उन्हें विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए यह मुकदमा चलना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल यह है, ये जो विशेषाधिकार उल्लंघन है, तो अगर कोई व्यक्ति विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तो उस पर प्रस्ताव ला करके संसद के द्वारा उसको दंडित किया जाता है, इसका प्रावधान कहाँ पे है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव को राज्यसभा में किस नियम के तहत प्रस्तावित किया जाता है? बाय विच रूल प्रपोजल फॉर या मोशन फॉर द वायलेशन ऑफ प्रिविलेजेस इज मूव्ड इन द राज्यसभा, राज्यसभा में विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव को किस नियम के तहत प्रस्तावित किया जाता है? ए है राज्यसभा नियम 185, बी है राज्यसभा नियम 186, सी है राज्यसभा नियम 187 और डी है राज्यसभा नियम 188। तो आप लोग अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो, और जब तक आप टाइप करो तब तक मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत भारत की संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि वे अपनी कार्यवाही के संबंध में नियम कानून बना सकेंगे। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1952 में लोकसभा ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा बनाया, और राज्यसभा ने 1964 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा नाम के नियम का पालन किया, और इसी नियम के आधार पर दोनों सदनों की कार्रवाइयाँ चलती हैं। तो यदि हम लोग बात करें भारत के लोकसभा के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा का जो वहाँ का उसका जो चैप्टर नंबर 20 है, रूल नंबर 22 है, वहाँ पे यह सांसदों का अधिकार दिया गया है कि अगर भारत का कोई भी सांसद या कोई मंत्री यदि वो विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है, विशेषाधिकार का जो उपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ जो है वो प्रस्ताव लाया जाएगा, और प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वहाँ पे कुछ दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार से राज्यसभा की बात करेंगे हम लोग, तो मैं बताना चाहूँगा कि राज्यसभा में जो चैप्टर नंबर 16 है आपका उसके नियम का, और नियम नंबर 187 मतलब कि जो रूल नंबर 187 है, इसके तहत विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला उठाया जाता है। अब आप पूछोगे कि अगर मान लो कि विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला उठाया गया और किसी व्यक्ति को अगर दंडित कर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? पहली बात मैं देखो तो बताना चाहूँगा कि भारत की संसद सांसदों के द्वारा जो कोई भी बात संसद के अंदर कही जाती है उसके लिए भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो यह जो मामला उठता है, यह मामला सदन के अंदर ही उठता है, और जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वह क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति इसको उठाता है तो वह उसकी कमेटी बनाते हैं, और कमेटी जब बनाई जाती है तो लोकसभा में इसके लिए 15 लोगों को रखा जाता है और राज्यसभा में 10 लोगों को रखा जाता है। यह कमेटी जाँच करके अपने रिपोर्ट सबमिट कर देती है, और यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सदन के द्वारा दंडित कर दिया जाता है। कि जैसा मैं आपको एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बताना चाहूँगा, आज के लगभग 45 वर्ष पहले मतलब 1978 में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक ऐसा ही मामला चौधरी चरण सिंह साहब ने उठाया था, और जब उन्होंने उसको उठाया तो इंदिरा गांधी के खिलाफ कमेटी बनी। कमेटी ने जाँच में ये पाया कि उन्होंने इमरजेंसी काल में काफ़ी एक्सीजेंसीज की थी, और उन्होंने गलत बयानबाजी किया था, उन्होंने प्रिविलेज का नाजायज फायदा उठाया, और परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी जी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। तो इस तरीके से देखिए, जो प्रिविलेज मोशन है, अगर प्रिविलेज मोशन के वायलेशन का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो सांसद होते हैं उस सांसद को दंड भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बताना चाहूँगा कि विपक्ष के पास इस तरह से रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं है कि वह मोदी जी के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित करा सके। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि रोशन करने वाले चिरागों को तूफानों से बचाया जाना चाहिए, और कश्मीर की वादियों में
संगीने नहीं फिर से केसर उगाया जाना चाहिए। बहुत पिस चुके हैं बारूद इस धरती पर, अब अमन की हिफाजत होनी चाहिए। निश्चित रूप से दुनिया शांति की तलाश में है, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी नेता के कारण से हम दुनिया को जंग में ढकेल दिया जाता है। एक ऐसा ही जंग पूरी दुनिया में चल रहा है, और इस जंग या जो जंग है या दो देशों के बीच में है, एक देश है यूरोप और एशिया का देश जिसका नाम है आपका रशिया, और दूसरा देश है यूक्रेन। तो यह जो यूक्रेन और रशिया के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है, तो मैं आपसे यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यह जो युद्ध शुरू हुआ तो यह जो युद्ध शुरू हुआ है तो इस युद्ध में बहुत सारे ऐसी रूस के माध्यम से जातियाँ की गई कि जिस कारण से अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ गया। आइए हम लोग इस प्रश्न पे इससे संबंधित प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न यह है कि रूस के राष्ट्रपति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का मुख्य कारण क्या है? चार विकल्प आपके पास है। ए है युद्ध अपराध या वॉर क्राइम, बी है यूक्रेन की स्त्रियों के साथ बलात्कार या रेप विथ वुमेन ऑफ यूक्रेन, सी है यूक्रेन के बच्चों का निर्वसन डिपोर्टेशन ऑफ चाइल्ड ऑफ यूक्रेन, या डी है इनमें से सभी। आपके पास पांच सेकंड का समय है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अपना आंसर टाइप कर लिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूस के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसका उस जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया उसके पीछे कारण है यूक्रेन के बच्चों का के निर्वसन का उनके ऊपर आरोप है, और इसी आरोप के तहत रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। देखो बताना चाहूंगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने दुनिया में शांति व्यवस्था को स्थापित करने, दुनिया में प्रेम बढ़ाने, दुनिया में आर्थिक विकास करने का उसने एक प्रकार से कहना चाहूँगा मैं कि उसने एक प्रकार से अपने जिम्मेवारी को कंधे पर उठा रखा है। उसके जो छः प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जो छः मुख्य अंग हैं, उसमें से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हालांकि इसके पहले जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में स्थापित किया गया था, ये उसी का उत्तराधिकारी एक ऑर्गन है। इसमें कुल 15 जज होते हैं। जजों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, और कोई भी जज जो भी इसमें जज होते हैं एक ही देश के दो जज यहाँ पर कभी इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है या दो देशों के बीच में जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों का वो क्या करती है, वह झगड़ों का वह जो है निपटारा करती है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है अगर उसका उल्लंघन करता है तो उस देश के पदाधिकारियों को या उस देश को वह दंडित करने का कार्य भी करती है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है, उसका हेडक्वार्टर हेग में है, उसने अभी रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, और उसका कारण यह है कि रूस के राष्ट्रपति के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बच्चों का निर्वसन किया। देखिए दो ही देश युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ में बलात्कार करना या बच्चों का निर्वसन करना, इस प्रकार के कार्य जो है वह युद्ध अपराध माने जाते हैं, और इस कारण से इसको माना जाएगा कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने युद्ध के जो नियम है उसका उल्लंघन किया, और इस कारण से उनके खिलाफ यह वारंट जारी किया गया। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि रूस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं दिमात्री मेदवेदेव, उन्होंने इसको कह दिया कि राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो भी यहाँ पर अरेस्ट वारंट जारी किया गया उसको मैं टॉयलेट पेपर के बराबर समझता हूँ। इसके पीछे कारण यह है कि उनका कहना है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनको कोई भरोसा नहीं है, और दूसरा कि रूस वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को मान्यता प्रदान ही नहीं करता। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह हमारे देश से ही है। देखिए इस धराधाम को यदि
किसी ने जिंदा रखा है तो प्रकृति है, वो हमें अन्न, वह हमें जल देती है, वह हमें वायु देती है, और दूसरे नंबर पर यदि कोई इस प्रकृति का भगवान है तो वह हमारा किसान है। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत हो या दुनिया का कोई भी देश का किसान, वह किसान भगवान के बराबर है। लेकिन किसानों के द्वारा अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, और उसी में एक जो फसल है वो फसल है आपका श्री अन्न। तो अभी 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 भारत जो है यह एक वैश्विक श्री अन्न का सम्मेलन भारत में चल रहा है नई दिल्ली में, अभी 18 आज के दिन ही। तो मैंने इससे संबंधित आपके लिए प्रश्न बना रखा है, आइए आपके क्वेश्चन को मैं लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन यह है कि किस देश के अनुरोध पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष बनाया जा रहा है? ए भारत, बी चीन, सी इंडोनेशिया और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और आपके पास 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड में अपने आंसर दे दें। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। देखिए, पहले मैं बता दूं कि श्री अन्न जो है वह वास्तव में मिलेट या जिसको हम लोग बाजरा कहते हैं उसको श्री अन्न कहा जाता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा बाजरे का उत्पादक देश है, जो पूरे भारत का लगभग 19% बाजरा उत्पादित करता है, और वहाँ पर इसको श्री अन्न कहा गया। इस कारण से भारत की सरकार भी इसको सम्मानित करने के लिए बाजरा की जगह हम लोग उसको श्री अन्न कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं बताना मैं चाहूँगा कि इसी वर्ष भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया था कि बाजरा भले ही मोटा अनाज हो, लेकिन यदि हम लोग बात करें तो अनादि काल से हमारे पूर्वज को खाते रहे हैं। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में तीन प्रकार के बाजरे के का उल्लेख मिलता है। तो निश्चित रूप से बाजरा जो है यह एक मोटा अनाज जरूर है, लेकिन यह जो अनाज है यह अनाज हमारे पूर्वजों के द्वारा इस अनाज का भोजन किया जाता था, और आज भी गरीब लोगों की अगर यह जो है यह एक मुख्य भोजन है। तो इस तरीके से इस भारत की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया था कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष घोषित किया, और अभी 18 मार्च 2023 को एक वैश्विक सम्मेलन इसके ऊपर चल रहा है, और यह जो वैश्विक सम्मेलन है इसका श्री अन्न वैश्विक सम्मेलन इसका नाम दिया गया है, जिसमें दुनिया के लगभग 100 अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, यदि हम अपने देश की बात करें तो मध्यकाल में भारत दुनिया में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के स्तर पर भारत दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। जीडीपी के आधार पर यदि बात करें हम लोग तो भारत दुनिया का नंबर एक देश था, और इसे नंबर एक बनाने में कृषि और जो हैंडीक्राफ्ट है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका सबसे बड़ा योगदान है। मैं बताना चाहूँगा कि इतिहासकार लिखते हैं कि भारत में जो रेशम है उसकी ऐसी बुनाई होती थी कि एक पूरी की पूरा जो शॉल है वह एक अंगूठी में से गुजर जाती, पूरी की पूरी साड़ी भी हो अंगूठी से गुजर जाती थी। तो भारत टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत बहुत अव्वल देश रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग इस समय बात करें तो इस समय भारत दुनिया के सिर्फ 6% टेक्सटाइल को निर्यात करता है, जबकि एक समय था जब मेजर एक्सपोर्ट जो है वो भारत के द्वारा ही किया जाता था। तो भारत के की जो तत्कालीन सरकार है उसकी सोच यह है कि भारत में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाए, जहाँ पे फार्म से लेकर के जहाँ पे वहाँ पे जो फार्म है उस वहाँ फार्म रखे जाएं, फार्म के साथ साथ वहाँ पे उसकी फैब्रिक बनाई जाए, उसके बाद उसको फैक्ट्री में लाया जाए, फैक्ट्री के बाद उसको जो है फैशन में लाया जाए, फैशन के बाद उसको फॉरेन भेज दिया जाए। मतलब कि यह जो टेक्सटाइल पार्क है इसको बनाने की बात की गई, तो ये पाँच F को आगे बढ़ाने की तर्ज पर भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपके मैं प्रश्न है, प्रश्न ये है कि PM मित्र टेक्सटाइल योजना में जो कल 17 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषित किया, तो सर मित्र का क्या अर्थ है? ए है दोस्त,
बी है मेगा टेक्सटाइल पार्क का संक्षिप्त रूप, सी है मेगा इंटेंसिव टेक्सटाइल रीजन एंड अपारेल का संक्षिप्ताक्षर, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपका समय बिना लिए बता दूं कि इसका जो फुल फॉर्म है, पीएम तो प्रधानमंत्री हो गया, मित्र का मतलब हो गया मेगा इंटेंसिव टेक्सटाइल रीजन एंड अपारेल का यह एक्रोनिम है, मतलब हो गया कि जो वस्त्र क्षेत्र है और जो पोशाक है उसका बृहत्तम तरीके से, सघन तरीके से इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से जब मेगा इंटेंसिव टेक्सटाइल रीजन एंड ऑपरेशन का यह सचित्र हो गया आपका पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना। अब यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि पीएम मित्र योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। आप अपने आंसर जो है टाइप करो। देखो मैं बता दूंगा आपको कि भारत के 7 राज्यों में ये टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसमें जो राज्य हैं वो आपका सबसे पहले तो राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी स्थापना की जाएगी। बी आपका है मध्य प्रदेश का धार हो गया आपका, इसी प्रकार के से महाराष्ट्र का अमरावती हो गई है ना, इसी प्रकार से आपका कर्नाटक का जो है कुलबुर्गी हो गया। इसी तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु का विरुद्धनगर है। इस प्रकार से आपके भारत के 7 राज्य में यह जो है यह पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, क्योंकि समय भी हो रहा है आपका, तो अगला प्रश्न पर मैं हम सीधा जाते हैं। और अगला प्रश्न आपका यह है कि उत्तर प्रदेश की किसकी स्थापना, उत्तर प्रदेश में जो यह पीएम मित्र जो टेक्सटाइल पार्क है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी। 4 विकल्प है, ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है प्रयागराज और डी है अमेठी। तो मैंने आपका इसका आंसर पहले बता दिया, ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कह दिया है कि 51% केंद्र की भागीदारी रहेगी इसमें, 49% राज्य इसमें जो है भागीदारी करेगा, और इससे लगभग 2,00,000 लोगों को कार्य मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह 1,000 करोड़ में, 1,000 एकड़ है उस 1,000 एकड़ में यह पार्क की स्थापना की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से यदि ऐसा होता है तो चीन और अमेरिका जो भारत से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में आगे हैं, तो भारत का लक्ष्य रहेगा कि जल्दी से जल्दी इसको जो है कर लिया जाए, 2026-27 तक में इस प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए सरकार ने लक्ष्य बना रखा है। आज की क्लास जो है यही तक है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने नेत्र को बंद करके और मेरे साथ जो है प्रार्थना करें। हाँ, मैं बता दूँ आपको कि मंडे से आपकी 7 बजे से 8 बजे तक पॉलिटिक्स क्लास रहेगी, और आपकी जो क्लास रहेगी वो करेंट अफेयर्स की, वह क्लास रहेगी आपकी 7 बजे से शाम के 7 बजे से 7:30 बजे तक। बाकी बात जो मैथ और मैंने इंग्लिश की क्लास के बारे में बात की थी, वो क्लास मैं आपकी जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा, और थोड़ा सा उस पर जो है आपके क्वेश्चंस टाइप कराने हैं, तो कुछ क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है मैं जानता हूँ, और आपका टाइम ख़राब ना हो और मैं पूरा इसका ख्याल रखूँगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में एक बार फिर से अपने नेत्रों को बंद करके ईश्वर को थोड़ा ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं। और ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षे मामृता। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।